अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपनी वेरी फर्स्ट वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ जो कि है गोल गप्पे, सबकी मोस्ट फेवरेट एंड मोस्ट डिमांडिंग गोल गप्पे। बातें तो चले हम वीडियो के साथ साथ करते चले जाएंगे, चले हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। गोल गप्पे बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो हैं कुछ यूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ ले ली है हाफ कप ऑफ सूजी। इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था, मतलब बीन के इसके कंकर कंकरियाँ साफ़ करनी। 1 फुल कप ऑफ मैदा, इसको मैंने दबा दबा के यूज़ किया है, मतलब आप 1.5 कप मैदा यूज़ कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 फुल मग ऑफ ल्यू फॉर्म वाटर। आपने सिंपली पानी लेके उसको माइक्रोवेव कर लेना है या फिर उसको चूल्हे पे गर्म कर लें, इतना गर्म करें कि आपकी उंगली उस पानी को बर्दाश्त कर सके। 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट। अब सबसे पहले हम यहाँ काम आता है मिक्सिंग का। अब सबसे पहले एक बड़े बोल में अपना मैदा शामिल करें। अब मैं अपने यहाँ पे मैदा निकाल रही हूँ तो मेरा मैदा कह रहा है नहीं 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 मुझे नहीं पका, मुझे नहीं आना, लेकिन फिर भी मैंने इसको सारा निकाला कि तुम तो बेटा आज पकोगी। अब मैं यहाँ पे शामिल कर रही हूँ इसमें सूजी। अब मेरी सूजी बोली मुझे तो कोई नहीं पकाता, मुझे तुम ही पका लो, तो इस पर जो है ना अब सूजी मैंने शामिल कर दी है और इतनी मासूमियत से निकल गई है। अब इसमें मैं अपना नमक शामिल करूँगी। अब नमक से मैंने पूछा ही नहीं, तुमने जाना है नहीं जाना, मैंने उसको पहले ही ला के मैंने सीधा सीधा डाल दिया। अब मैं इसमें जो है अपना पानी शामिल करने लगी हूँ, लेकिन मैं पहले पानी शामिल नहीं करूँगी, मैं भूल गई थी। तो अब इसमें इसको पहले सारे अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अपने हाथ से मिक्स करूँगी। अब मिक्स करने से हमारे जितने ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे एक जान हो जाएंगे, मतलब कहीं मैदा नहीं आ रहा होगा, कहीं सूजी नहीं है, कहीं सिर्फ नमक नहीं आ रहा होगा, सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो जाएंगे। अब इसमें मैं अपना ये गर्म पानी शामिल करती जाऊँगी और टाइट सी एक डो बना लूँगी ऐसे। अब आपकी डो जो है स्मूथ होनी चाहिए, इसमें कोई लम्स नहीं होनी चाहिए। अपनी डो को आपने सॉफ्टर साइड की बजाय हार्डर साइड पे रखना है। अब पानी देखिए मैंने हाफ मग यूज़ किया है इस डो को बनाने के लिए, हाफ मेरा बच गया है, तो आप ही इसी को देख रखते हुए ट्राई करिएगा। तो अब मैं इस डो को अपनी एक एयर टाइट कंटेनर में ट्रांसफ़र कर रही हूँ और इसकी स्टिकनेस आप देख सकती हैं, दिस इज़ नॉन स्टिकी डो। अब बारी आती है इस रेसिपी की सबसे यमीएस्ट पार्ट की, जो कि है इसकी फिलिंग एंड टॉपिंग। अब सबसे पहले मैं क्या करने जा रही हूँ, इसकी खट्टी मीठी और तीखी चटनी बनाने होती हैं, तो वो अनहेल्दी साइड पे चली जाती हैं, तो मैं हेल्दी साइड पर रखते हुए अब मैं इसको बनाऊँगी मीठी दही। अब मैंने जिसके लिए ले ली है 1/2 कप ऑफ योगर्ट, जिसमें मैं शामिल कर दूँगी 2 टेबल स्पून ऑफ शुगर। अब इस शुगर को अब इस दही में ऐड करके और इसको मैं अच्छे से बीट कर लूँगी और इतना बीट करूँगी कि इसके सारे शुगर क्रिस्टल जो हैं वो इस सारी दही में डिज़ोल्व हो जाएं। और अब इस दही को, मीठी दही को मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ अपनी सर्विंग डिश में। अब चलते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ, जो कि है ये बॉयल्ड चिक पीस, जिसको मैंने जो है रात भर भिगो के और सोडा और नमक डाल के मैंने इनको बॉयल कर लिया था। और बॉयल करने के बाद थोड़ा मैंने इनको हार्डर साइड पे रखा और उसके बाद थोड़ा सा टाइट इसमें अच्छे लगते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट जो है वो चने चाट में अच्छे लगते हैं। अब प्याज मैंने जो है 30 मिनट्स पहले छोटा फाइन चॉप करके मैंने इसको पानी में भिगो के रखा हुआ था, उसके बाद धनिया भी चॉप करके मैंने इन दोनों चीज़ों को इसमें ऐड कर दिया है। अब बारी आती है इस रेसिपी की मेन पार्ट की तरफ, जो कि है इसका खट्टा पानी, जो कि इसकी जान होती है। मैंने ले ली है भीगी हुई 2 चमचे इमली, उसमें मैं 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और उसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून वाइट सॉल्ट और 1 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट एंड 1.5 टीस्पून ऑफ जिंजर पाउडर। अब ये पानी जो है अक्सर लोगों का पेट ख़राब कर देता है, और लेकिन मैंने इसमें जिंजर पाउडर ऐड किया है जो कि पेट ख़राब करने के बजाय हमारे पेट की सफाई करता है। तो अब हमने क्या करना है, इसको अच्छे से मिक्स करना है और इसको मिक्स करने के बाद इसको एक छोटे उसमें मैंने ट्रांसफ़र करके मैं इसको छानने लगी हूँ, क्योंकि इमली के हमने जो सीड्स हैं उनको भी रिमूव कर लेना है। उसके अलावा मसालों में एक मोटापन, एक दरदरापन होता है कुछ कुछ मसालों में, तो हमें वो भी नहीं चाहिए, वी वांट फाइन पल्प। तो इसकी जो प्यूरी और पल्प है उसको हम निकाल लेंगे और इसमें से जितना आप निकाल सकते निकाल लिएगा। और ये जो हमारे पास ये आ गया है इसको ही हमने यूज़ करना है। ये लग रहा कम है लेकिन ये बहुत खट्टा और बहुत स्पाइसी है। अब इसमें मैं इसमें ठंडा पानी ऐड करने लगी हूँ। ठंडा पानी आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐड करिएगा, मैं इसमें अप्रॉक्स 750 ml ऐड कर रही हूँ। अगर बहुत ज़्यादा खट्टा आप लोग पसंद करते हैं तो आप इसमें 1/2 लीटर पानी ऐड कर सकते हैं।
अब चलते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ, जो कि है ग्रीन चटनी प्लस ग्रीन रायता। अब इसको हमने कैसे बनाना है, इसके लिए मैंने ले लिए हाफ कप ऑफ़ योगर्ट, और इसके अंदर मैं ये चीज़ें शामिल करती जाऊँगी। इसके लिए मैंने ये चॉपर ले लिया है, जिसमें ये दो मिर्चें और एक लहसुन और ये कुछ पुदीने के पत्ते, और इसमें ये हाफ टी स्पून नमक और हाफ टी स्पून ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। और इसमें मैं 2-4 टेबल स्पून पानी ऐड करके इसको फाइन पेस्ट बना लूँगी, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसकी 2 टेबल स्पून मैंने इस दही में शामिल करके उसको मिक्स कर दिया है, और बाकी का जो है एक दूसरी सर्विंग डिश में मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी और इसको कवर कर दूँगी। अब देखें हमारे जो दही में मैंने जो 2 टेबल स्पून ऐड किया है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो ये हमारा बन जाएगी खट्टी चटनी। खट्टी चटनी क्योंकि दही खट्टी होती है, उसके अंदर थोड़ा सा फ्लेवर भी आ गया। अब कुछ लोग सिर्फ खट्टा खाते हैं, कुछ लोग सिर्फ मीठा खाते हैं, और कुछ लोग सिर्फ स्पाइसी वाले खाते हैं, तो इन सब के लिए हमने सबकी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी है, लेकिन हेल्दियर साइड पर रहते हुए। अब सारी चीज़ें हमारी रेडी हो गई हैं, अब बस गोल गप्पे भी तैयार, तो वो तैयार कर लेते हैं। जिसके लिए हाफ मैंने डो का पेड़ा बनाया और गोल बना के अब इसको बेलना शुरू करा है, और इसकी पतली जितनी बना सकते हैं उतनी बेल के पतली रोटी बना लें। और उसके बाद इस साइज़ का गोलगप्पे का साइज़ आपको पता ही होगा, उस साइज़ का आपके पास कटर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप घर में से कोई ग्लास, किसी बॉटल का, किसी कंटेनर का, मसालों के जो जार होते हैं उनका ढकना लेके आप उससे सिंपली इसको कट आउट कर सकते हैं। देखिए मेरी डो जो है इतनी हार्ड है कि वो आपस में स्टिक नहीं हो रही, और जब मैं इनको निकाल रही हूँ तो वो लटक नहीं रहे और बह नहीं रहे। अब इसको मैंने देखिए उठा के फ्राइंग के लिए मैंने फ्राइंग पैन में डाल दिया है, और फ्राइंग पैन में देखिए मैं इसको ये फूलने का दिल नहीं कर रहा, ज़बरदस्ती फूल जा भाई फूल जा, लेकिन ये फिर भी नहीं फूल रहा। तो ये फूला तो है लेकिन दिस इज़ नॉट लुकिंग लाइक अ गोलगप्पा। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा फर्स्ट बैच, जब भी मैं गोलगप्पे बनाती हूँ तो वो इतना नहीं फूलता है जैसा उसे फूलना चाहिए, तो फर्स्ट बैच मेरा हमेशा ख़राब होता है। ये मेरा फर्स्ट बैच है, इसमें आप देख सकते हैं सेंटर की जो 2 हैं और इधर लेफ़्ट साइड पे जो हैं ये 2 ये ख़राब हुए हैं, मतलब ये मुझे ऐसा लगता है ये गोलगप्पे नहीं है, ये फ्लैट पूरी है, ये फुले हुए हैं लेकिन पतले हैं, गोलगप्पे होते हैं फुले हुए। तो फर्स्ट वाले थोड़ा सा उसमें हो जाता है। अब देखिए इसको जब मैं पलट रही हूँ तो इनका कलर कितना खूबसूरत तरी निकल कर आ रहा है, और ये इसमें सूजी होने की वजह से इंतहाई क्रिस्पी बनेंगे, और क्रिस्पी होने की वजह से आप जब जितनी भी दिन रख के खाएं तो उसके बाद ये बहुत क्रिस्पी रहते हैं। अब मैं सेकंड बैच डाल रही हूँ, देखें इसमें हमें मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ डालें और ये खुद फूल के भाई गोल गप्पे बन गए, गप्पे, दिस इज़ कॉल्ड गोल गप्पे। अब भाई ये है हमारा सेकंड बैच। अब देखें मेरी इतने गोल गप्पे बन के तैयार हो गए, ये मेरी 2 प्लेटर्स, ये बड़े प्लेटर्स हैं, छोटे नहीं, ये मेरे 2 प्लेटर्स भर के तैयार हो गए। तकरीबन 4-5 डज़न जो हैं ये गोल गप्पे हैं, और ये आप देख सकते हैं कितने गोल गप्पे और मोटे से गोपलू से गोल गप्पे बने मेरे। अब मेरे पास ये जो छोटी प्लेटर है इसमें भी ये गोल गप्पे हैं, ये लेफ्ट ओवर मैं कहती हूँ कि ये गोल गप्पे सारे फूले हुए, लेकिन ये इतने नहीं फूले हुए जितने इनको फूलना चाहिए। तो इसका मैं क्या करती हूँ, लास्ट में इनको तोड़ के एक चाट बना लेती हूँ, उसके अंदर सारे चने बने डाल के और एक चाट बना के वो मैं खा लेती हूँ, पता भी नहीं चलता किसी को। और ज़रूरी नहीं आप परफेक्ट हैं, हर चीज़ परफेक्ट बनती है, लेकिन कुछ ना कुछ रिमेनिंग होते हैं। इसको भी आप सर्व कर देंगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ख़राब थी या लेफ्ट ओवर थे, लेकिन सर्विंग में तो परफेक्ट रखने चाहिए। तो इसलिए अब मैं ये डिश आउट कर रही हूँ, तो मैं थोड़ा सैम्पलिंग करके भी दिखा दूँ। पहले मैंने इनको ऊपर से 2 फिंगर्स करके इस तरह ब्रेक किया, उसके बाद चने फिल कर लिए। अब इसमें मैं सिंपली दही, मीठी दही ऐड कर रही हूँ। मुझे तो गोलगप्पों में सारी चीज़ें पसंद है, मेरा बस चलो मैं सारी चीज़ें भर भर के गोलगप्पे खाऊँ, मुझे भरे हुए गोलगप्पे बहुत पसंद हैं। अब इसमें मैं ये मीठी दही शामिल करने के बाद मैं शामिल कर रही हूँ ये अपनी तीखी चटनी, जो कि ग्रीन चटनी है। अब इसका आप स्पून देखते हैं, ये 1 टीस्पून के बराबर है। हर गोलगप्पे में एक एक टीस्पून मैं इसमें शामिल करती जा रही हूँ। आपको दिख रहा होगा कि गोलगप्पों के मैं अंदर ही नहीं डाली, मैं थोड़ा सा बाहर की तरफ निकाल के थोड़ा फैला फैला के डाली हूँ, ताकि ऊपर से भी लुक आती जाए, ताकि दिखे ऊपर कि हमने ये चीज़ें इसमें शामिल करी हैं, वरना तो सारी चीज़ें छुप जानी है, थोड़ी लुक नहीं आनी। तो इसलिए इसमें अब थोड़ा सा बाहर निकाल के मैं ये सारी चीज़ें डाल रही हूँ। अच्छा, तो आप अपने गोलगप्पों को ये फिलिंग की बगैर जो गोलगप्पे थे उनको आप 1 वीक तक स्टोर कर सकते हैं, पर आपने जब ये गोलगप्पे फिलिंग कर ली है, ये सारे अंदर टॉपिंग डाल दिए, फिलिंग कर दिए और टॉपिंग कर दिए,
तो इसको आपने विद इन 10 मिनट्स अपने गेस्ट, अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने लिए बना रहे हैं, जिसके लिए भी बना रहे हैं, उसको सर्व कर देना है। अब देखिए, मैं ये शामिल कर रही हूँ इसमें होममेड दही बड़ा, चना चाट और गोलगप्पा मसाला, जिसकी रेसिपी मैं इंशाल्लाह जल्दी शेयर कर दूँगी। आपको ये रेसिपी चाहिए हो तो जल्दी से कॉमेंट में मैसेज करके मुझे बताएँ, मैं जल्दी से इसकी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। अब बारी आती है सर्विंग की, तो अब मैं ये बिल्कुल बाज़ार के जैसे डोंगे से पूरा सर्व कर रही हूँ। दो डोंगे मैंने ये ठंडे पानी, इसका खट्टा पानी मैंने निकाल लिया है, ऊपर धनिया से गार्निश किया है। हमारे गोलगप्पे रेडी हो गए हैं। उम्मीद है आप सबको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अब जल्दी से ये रेसिपी ट्राई ज़रूर करें, ताकि इस मानसून के मौसम में आप और आपकी फैमिली इन गोलगप्पों से मज़ा उठा सके। अब वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर ज़रूर करें, ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।